तो दो ब्लॉक्स हैं, पहले वाला ही क्वेश्चन है, बट वहां पर क्या था आपका, ये F1 F2 अलग अलग थे, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दो, ये F और F सेम है, तो पूरे सिस्टम पर कोई नेट फोर्स तो नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम एलोंगेशन का कोई प्रिंसिपल निकालने का चेंज नहीं होगा, वो तो वैसे ही निकलेगा जो आपको बताया जा चुका है हमेशा, कैसे भी कांस्टेंट फोर्सेस लग रहे हो, एक पे लग रहे हो, दो पे लग रहे हो, सेम डायरेक्शन में लग रहे हो, अलग अलग लग रहे हो या सेम लग रहे हो, वो सब क्लियर है आप, ठीक है। वेरिएबल फोर्स होगा तो फिर बेटा वही डीलिंग है, ध्यान रखना, फिर आपको वही जो मैंने जैसे निकाला है ना, इसलिए सिखा दिया मैंने, ठीक है। फिर सारी चीजें इससे निकलेंगी जो कुछ पूछना चाहते हो। यहाँ पर एक्स का फंक्शन होगा तो आप देख लो इंटीग्रेशन में, फिर ये बाहर नहीं आएगा तो सिचुएशन चेंज होगी, तो जो भी होगी वो आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है ना। तो फिर सिचुएशन क्या है, यहाँ पर एफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स अगर आ गया, वेरिएबल फोर्स हुआ, तो आप उसको डील कर सकते हो, यहाँ पर एक्स रखना फिर इंटीग्रेट, ठीक है। बट कॉन्स्टेंट में क्या है कि काफी आसान प्रॉब्लम हो जा रही है, तो बिल्कुल एग्जाम में पूछी जानी चाहिए आपसे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान हो जा रही है। देखो आप इसमें किसी भी इंस्टेंट पर लिख दो kx, फिर वही कहानी, एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बराबर कर, तो कर दो एफ माइनस के, इधर मान लो एफ माइनस के एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन एम, तो उधर मानोगे तो क्या दोनों तरफ नेगेटिव आके वही इक्वेशन रह जाएगी ना, इतनी समझ है आप। अगर दोनों तरफ उधर मान लोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, kx इक्विलिब्रियम माइनस एफ, ये भी उल्टा आ जाएगा, एफ माइनस के एक्स इक्विलिब्रियम माइनस टू, तो इससे भी बन जाएगा दोनों तरफ माइनस बाहर, तो सेम इक्वेशन बनेगी, इसमें डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आपका a1 a2 इधर मान लिया, तो f माइनस के एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन एम टू, और इसका इधर क्या आ जाएगा, के एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एफ अपॉन एम। एक लाइन में प्रॉब्लम हो रही है बेटा, सब निकाल रहा है सबको। हाँ हार्दिक, बिल्कुल सही निकाला है आप। अब क्योंकि इसमें क्या फोर्स सेम हो गया था, तो देखो आप इसमें से कट ही गया फोर्स सेम होने के लिए, f1 f2 होता तो नहीं होता है, तो आंसर वही है, वैसे ही आ गया, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है, F1 और F2 सेम होने की वजह से x इक्विलिब्रियम में Fy के आ गया, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग कितना निकल के आएगा, 2F/K निकल के, ठीक है। नेट फोर्स आपका जीरो है, तो आप अब यहाँ पर आप दोनों का इंडिविजुअल निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। क्या नेट फोर्स जीरो है आपका, तो सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाना चाहिए, मान लो ये एक्स डिस्प्लेस हो गया, एक्स टू डिस्प्लेस हो गया, तो डेफिनेटली दोनों बराबर होंगे, जिससे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। अरे क्लियर है ना, डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास जीरो, तो M1 इंटू डेल्टा X1 प्लस M2 इंटू डेल्टा X2 जीरो होना चाहिए, मतलब दोनों के डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होंगे। इतने समझदार है आप, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया है M1 X1 = M1 डेल्टा X1 = M2 डेल्टा X2, इतना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेंटर ऑफ मास नहीं जा रहा है, तो इसका अंदर इसका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होंगे, तभी तो सम जीरो आए, क्योंकि वो शिफ्ट कर ही नहीं सकता, इनिशियल रेस्ट पर थे, नेट फोर्स पूरे सिस्टम पर जीरो है, बस इसका एडवांटेज यहाँ पर उठाएंगे, ठीक है। तो कभी ये पार्ट भी ऐड हो जाए कि इंडिविजुअल ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, तो आप घबराएंगे, ठीक है। और अब ये क्लियर है कि मान लो ये x1 चला, x2 चला, तो x1 प्लस x2 ही x मैक्स के बराबर हो, देख लो आप चाहे से, मान लो यहाँ पर था, ठीक है, फिर आपने इसको पुल किया, तो ये x1 पहुंच गया, ये x2 पहुंच गया, ठीक है। अब जो इसका यहाँ पर नेचुरल लेंथ एल नॉट थी, तो आपका अब लेंथ ये है, ठीक है, तो एक्सटेंशन कितना हो गया, इस लेंथ में से एल नॉट माइनस कर दो, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंग की लेंथ कितनी होगी, x1 प्लस x2 प्लस एल नॉट माइनस एल नॉट, तो दिख रहा है आपको। अगर ये x1 डिस्प्लेस होता है, x2 डिस्प्लेस होता है, तो x1 प्लस x2 ही क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, या मैंने शुरू में भी बताया था, दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ही एक्सटेंशन, तो यहाँ से दिख भी रहा है, ठीक है। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x max, एंड बिकॉज ये थ्योरम आपको बताई गई बहुत बार, इस तरह की सिचुएशन तो आप जल्दी हैंडल करें, ठीक है, तो फिर से एक लाइन में आ गया, अगर नहीं सीखोगे ये तो एग्जाम में तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। या आपका क्या दो चीजें निकालना बताया मैंने आपको इस प्रॉब्लम में, एक तो मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग कितना होगा, ठीक है, वो आप कैसे भी केस में निकालो, सेम फोर्स हो या ना हो, बट अगर सेम फोर्स है तो फिर आपके पास एक एडवांटेज और है कि आप नेट डिस्प्लेसमेंट है नहीं सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का नेट डिस्प्लेसमेंट है नहीं। हाँ तो चार सही निकाला है आपने, बट M3 क्यों लगाया, M1 लिखना चाह रहे होंगे आप उसकी जगह, बट आपने M3 लिख दिया, M2 लिखना चाह रहे थे, गलती से लिख दिया। हाँ नहीं सही है, बिल्कुल सही है, तो ये चीजें भूलना नहीं है बेटा, सुबह याद हुआ है आपको, तो सुबह का जो याद होता है वो हमेशा रहता है हमारे दिमाग में, तो एक बार अपने आप से करके देखो ना, डेरिवेशन जरूर करेंगे इंटरेस्टेड लोग, ठीक है, नई मेथड अप्लाई करना तो सबको ही सीखना है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं।
बट चांस है कभी वेरिएबल फोर्स को डील करना पड़े तो आप डेरिवेशन अगर आता है तो डेफिनेटली आप डील कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको तो यहीं तक दिखने वाली है, 99% तो यही चांस है, प्रॉब्लम्स अगर आती भी एग्जाम, ठीक है, तो फिर आप ऐसे कर दें, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले एक्सेलरेशन सेम, दो ही स्टेप है, कुछ बात ही नहीं है, आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन इक्वेट करो, एक्स निकालो, उसका ट्वाइस करो, इससे सिंपल तरीके से कोई कैसे बता सकता है, ठीक है, तो वो मैंने बता दिया। डिस्प्लेसमेंट पूछा ऐसे केस में, तो फिर आपका डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास जाएगा नहीं, तो आप निकाल सकते, ठीक है।